तो भाई फ्रांस अब रो रहा है मुसलमानों के हाथ से। आप लोगों को पता होगा कुछ ही दिन पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए थे फ्रांसिस ने। तो अब फ्रांसिस कहता है कि जो कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी वजह से काफ़ी उनको मुश्किल हो रही है। अच्छा, कौन सी मुश्किल हो रही है और कतर ने उनको क्यों रुलाया है, इस वीडियो में हम आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कतर ने ये कहा है कि आपका कोई भी ऐसी वुमेन या कोई भी लड़की या कोई भी ऐसा अफराद बिकिनी और शॉर्ट सूट या कोई भी ऐसा कोई ड्रेस नहीं पहन के आएगा जिससे जिस्म जाहिर होगा। याद रहे ये कतर की हुकूमत ने कहा है कि हम एक मुस्लिम ममालिकत हैं और हमारे पास कोई भी औरत अगर अपना जिस्म मतलब अगर नंगा करके आएगी तो वो हमारे पास ना ही आए, और हमारे मुल्क में अगर फीफा वर्ल्ड कप होगा तो कोई भी बिकिनी या कोई भी ऐसा जिससे जिस्म जाहिर होता हो ऐसी कोई भी चीज़ पहन कर नहीं आएगा। तो भाई अब फ्रांसिस लाखों करोड़ अरबों जो डॉलर जो लेकर आया था, जो इन्वेस्ट किया था, जो पार्टियों में इन्वेस्ट किया था। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ एक इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात कि फ्रांस अपने मुल्क में ये कहता है कि कोई भी नकाब वाली औरत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, या कोई भी नकाब वाली औरत किसी हॉस्टल या स्कूल या कॉलेज में नहीं आनी चाहिए। मतलब मुसलमानों के लिए नकाब पे वहाँ पे पाबंदी है। तो कतर की हुकूमत ने मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे इकदाम किए हैं कि उन लोगों ने कतर में बिकिनी और जो शॉर्ट्स जो कितने भी अपने कपड़े होंगे जो लेडीज़ के ऊपर मबनी होंगे तो सब पे बैन कर दिया गया है। अगर आप लोगों को फीफा वर्ल्ड कप खेलना है तो आप लोग फुल कपड़ों के साथ आएंगे और अपने जो लोग होंगे आप उनको भी समझाएंगे। जिसकी वजह से फ्रांस ये कहता है कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई अजीब बात हो गई आप लोगों ने कर दी, हमारा इतना लाखों करोड़ डॉलर लग चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। तो भाई ये फ्रांस ने एक तमाचा फ्रांस के मुंह पे पड़ा है जो कि कतर वालों की हुकूमत ने किया, मुसलमान हुकूमत ने किया। तो हम लोग भी काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे और आप लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट करें ताकि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई भी मैच वगैरह होते हैं तो कोई भी गोरा भाई कोई भी गोरा हो वो शॉर्ट्स वगैरह पहन के ना, क्योंकि हम भी एक इस्लामी ममालिकत हैं।